चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से आ रही है, जहां पर कल चुनावी प्रक्रिया के अंदर वोटिंग की जाएगी। छात्र संघ चुनाव के अंदर कल ये वोटिंग का दौर रहेगा और इसी दरमियान सभी जो एबीवीपी और साथ ही एनएसयूआई और निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वह सब अपना अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं और इसी के साथ में लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट उन्हीं के पक्ष में डालें। तो देखिए इसी पर रिपोर्ट कि किस प्रकार का भी चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है राजस्थान यूनिवर्सिटी में। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव 26 अगस्त को होंगे। इसके लिए छात्र नेता अपना अपना दमखम लगाकर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। छात्र संघ चुनाव के लिए एनएसयूआई, ईबीपी, निर्दलीय प्रत्याशी रैली और छात्रों से मिलकर अपने पक्ष में मत बना रहे हैं। वहीं जैसे जैसे मतदान का समय नज़दीक आ रहा है, वैसे ही रैलियों के माध्यम से अपने पक्ष में छात्र नेता माहौल भी तैयार कर रहे हैं। इसी के लिए बुधवार को एनएसयूआई छात्र संघ प्रत्याशी ऋतु बराला और निर्दलीय प्रत्याशी निहारिका जोरवाल ने रैली निकालकर छात्रों से अपने पक्ष में मतदान करने के लिए अपील की है। छात्र संघ चुनाव में जातिगत समीकरणों की बात करें तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में एससी, एसटी और ओबीसी के वोट बैंक के साथ साथ जनरल कास्ट का भी वोट प्रतिशत है। इसी को देखते हुए एनएसयूआई और एबीपी ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे। जहां एनएसयूआई ने ऋतु बराला को ओबीसी के समीकरण को साधते हुए टिकट दिया, तो वहीं एबीपी ने नरेंद्र यादव को टिकट दिया। इन दोनों प्रत्याशियों का खेल बिगाड़ने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी निहारिका जोरवाल को, जो कि एसटी समुदाय से आती है। एनएसयूआई प्रत्याशी ऋतु बराला ने कहा, 2 साल बाद छात्र संघ चुनाव हुए हैं, इसके लिए स्टूडेंट्स में उत्साह है। स्टूडेंट्स अपना शक्ति प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं, सभी हमारे साथ हैं। बराला ने जातिवाद के सवाल पर भी कहा कि हमारी राजनीति सकारात्मक और साफ सुधरी राजनीति करके राजस्थान विश्वविद्यालय की छवि खराब नहीं करना चाहते। कुछ पूंजीवादी लोगों के कारण हम गरीब किसान परिवारों से आते हैं, इसलिए तो कुछ मंत्री विधायक हमारे विरोध में लग गए हैं।